अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार फ़िश कड़ी। सबसे पहले फ़िश ले लेंगे, उसका नमक लगा के वॉश कर लेंगे, आलू को गोल गोल काट लेंगे, टमाटर को काट लेंगे, प्याज को कद्दूकश कर लेंगे। उसके बाद धनिया पाउडर, लहसुन पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, गरम मसाला, हरा धनिया ले लेंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, मैं कहूँगी कि एक खुला बर्तन लीजिएगा, उसमें ऑयल डालेंगे और कद्दूकश की हुई प्याज डाल देंगे। आप प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद उसमें हम लहसुन शामिल करेंगे और उसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, लाइट गोल्डन फ्राई कीजिएगा। उसके बाद हमारे कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। आप टमाटर को पील कर लीजिएगा, उससे हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी, स्मूथ बनेगी। टमाटर को हम ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सारे मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और इसको हम थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर बिल्कुल गल से सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसमें आलू शामिल करेंगे। अब किसी भी शेप में आलू काट सकते हैं, हमें इस तरीके से गोल कटे हुए अच्छे लगते हैं। फिर इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे 2-4 मिनट के लिए। फिर इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 कप जितना पानी डालेंगे ताकि हमारे आलू हाफ कुक हो जाए, और इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब पानी थोड़ा खुश्क हो गया है तो अब हम इसमें फिश शामिल करेंगे। फिश डालने के बाद हमें बहुत ही एहतियात से काम करना पड़ता है ताकि हमारी फिश टूटे ना। अब हम फिश शामिल कर लेंगे और फिश को थोड़ा सा मसाले के अंदर डाल देंगे, इस तरीके से ऑयल से कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से, और बहुत ही जेंटली काम करना पड़ेगा। और अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फ़िश तो वैसे बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो फ़िश को तकरीबन हम 10-12 मिनट ही पकाएंगे। फिर थोड़ा सा 1/2 कप पानी डालेंगे और फ़िश को मज़ीद 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम इमली का बना हुआ पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़े से पानी में इमली डाल के फिर गुठलियाँ अलग कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा। और अब इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ग्रेवी के लिए। हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। और अब हमारा फिश का सालन बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं आपको फ़िश सर्व करके दिखाती हूँ, आप ये ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।